ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हल्का हलचल में, जहां पर इस खास प्रोग्राम में हम आपके सुबह सुबह आपके हलचल में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास रहेगा। इसी को लेकर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए पलवल से और वहीं जगदीश कालावाली से हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवीण, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। प्रवीण, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ खास और अहम रहेगा पूरे दिन? मैं आपसे बात कर लेता हूँ। सबसे पहली बात है कि यूं तो हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है, और जो त्योहार है हमारे यहाँ जो सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। अब त्योहारों को जिसे कहा जाता है कि एक जिसे कहते हैं सीजन शुरू हो चुका है, कल से गणेश जो है का उत्सव बड़ी धूमधाम से 10 दिन तक जो है वो चला कार्यक्रम पूरे जिले में चलाया जा रहा है। गणेश उत्सव को लेकर पूरे जिले में जगह जगह गणेश जी के नाम के जो मंडप बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई जा रही हैं, जो गणेश जो उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तमाम घरों में भी गणेश जी की पूजा होती है और तमाम लोग इसको बड़े धार्मिक तरीके से मानते हैं। उसी को लेकर आज गणेश उत्सव जो है वो लगातार 10 दिन तक इसका आयोजन रहेगा। पूरे जिले में लगातार हर गली कूचे में कहीं भी जाकर देख सकते हैं कि गणेश उत्सव के मंडप सजाए जा रहे हैं बड़ी धूमधाम से। वहां कल सुबह से ही आराधना शुरू हो जाएगी बड़े अच्छे तरीके से, ढोल बाजों के साथ इसकी जो है आराधना वो शुरू की जा रही है। वही 10वें दिन जाकर इसको विसर्जन किया जाता है। 10 दिन तक लगातार जो गणेश उत्सव जो चलता है उसमें तमाम आसपास के क्षेत्र के जो भी लोग हैं इसमें बड़े अच्छे तरीके से बैठ कर लोग इसमें अपने पूजा पाठ और कीर्तन वगैरह करते हैं। तो जिसको लेकर अब जो है वो जो है त्योहारों का सीजन शुरू हो गया। वही बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री के आगमन का। कल मुख्यमंत्री ने कल दुधाला विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में पहुंचकर श्रमिक दिवस का आयोजन शिरकत करी है। तमाम जो वहाँ पर पंजीकृत मजदूर थे उन सभी मजदूरों को वहाँ पर सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री की ओर से काफी बड़ी बड़ी सौगात दी गई है, जिससे जो श्रमिक हैं उन्हें काफी राहत मिलती नजर आई है। वहीं जो श्रमिक हैं उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से जो योजना लागू की गई है, जैसे कि साइकिल भी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी सरकार की ओर से आपको जो है वो लोन की सुविधा दी जा रही है, या जो 3,000 से पहले फंड दिया जाता था वो भी अब 5,000 कर दे। तमाम ऐसी कई चीजें हैं जिससे जो श्रमिक है उनको काफी राहत मिलती नजर आ रही है। वही प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो पीएम ने जो विश्वकर्मा जो योजना लागू करी उसे भी प्रदेश के जो पंजीकृत श्रमिक है उनको भी काफी लाभ मिलता नजर आ रहा है। वही बात कर लेते हैं जिला प्रशासन की, डेंगू की स्थिति को अगर हम बात करें तो डेंगू की स्थिति हालांकि इतनी पैनिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसके केस काफी आ रहे हैं। लेकिन जो बढ़ता हुआ बुखार को लेकर जो ओपीडी बढ़ रही है, तमाम निजी अस्पताल और जो नागरिक अस्पताल है इनमें बुखार की स्थिति जो मरीज है वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन से जब इससे बातचीत की गई तो उनका कहना है कि फॉगिंग की व्यवस्था जो है वो अब लगातार उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह से जो केसेस बढ़ेंगे तो उनके लिए एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे आम जनता को भी काफी नुकसान हो सकता है, जिसको लेकर फॉगिंग की व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। जी शरामी, ठीक है। प्रवीण बने रहे हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। जगदीश हमारे साथ जुड़े कालावली से। जगदीश, कालावली की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ खास और अहम रहेगा आज पूरे दिन? सबसे पहले अगर कालावली के मौसम की बात करें तो मौसम बड़ा सुहाना बना हुआ है। कल थोड़ा बूंदाबांदी हुई थी और बारिश शुरू आने की संभावना जताई गई है, उसको लेकर किसान जरूर जिन किसानों ने नर्मा कपास की फसल बीजी है चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि फसल की चुवाई फसल का जो चुवाई का समय है वह पूरा हो चुका है, सोने आए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बारिश पड़ जाती है तो उनकी नर्मा कपास की जो फसल है वह कहीं कहीं पर बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाएगी। इसको लेकर किसान जरूर चिंतित है। जिन किसानों ने धान की रोपाई की हुई है उन किसानों के चेहरों पर जरूर रौनक देखने को मिल रही है। बात कर लें एग्रीकल्चर की तो 2024 के चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपने अपने कमाल कर लिया। अभी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कालावली में जो स्लीपर बेच चेहरा विधायक गांव गांव जा रहे हैं और लोग जो लोग उनसे रूस है उनको मनाने का काम किए जा कर रहे हैं और अपने द्वारा दी गई रास्तों का उद्घाटन भी करते नजर आ रहे हैं। भाई बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाते बिजली जो बिल ज्यादा है उनको लेकर रोष प्रदर्शन करने का काम यहाँ करती नजर आ रही है। नैनो की बात करें तो नैनो की ओर से 25 सितंबर की होने वाली देरी को लेकर गांव गांव जगह न्योता दिया जा रहा है और नैनो कार्यकर्ताओं में काफी साफ देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि आने वाले समय में उनकी सरकार में साझेदारी होगी। कहीं ना कहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा की ओर से भी जो पूरे विधायक रहे हैं उनका बलकोट सिंह गांव गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और भाजपा के जो पन्ना प्रमुख है उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। कहीं ना भाजपा द्वारा किए गए कार्य को
धूमधाम उनकी ओर से किया जा रहा है। अभी बात करें कालावली में नशा बहुत ज्यादा हो चुका है, उसको लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने नारे रखे थे कि जल्द मार में आए थे तो पुलिस जिला बनाया जाए, लेकिन दमोली पुलिस जिला बना लिया उसको लेकर अब है जो सुमेर सिंह जो है अति दमोली बैठाए गए हैं, लोगों को उम्मीद होने लगी है कि दो जो है उप निरीक्षक और निरीक्षक दो दो बैठे हैं, तो दो अधिकारी जो बैठे हैं उनसे कहीं ना कहीं पुलिस की संख्या बढ़ेगी और नशा पे जो कंट्रोल है कहीं ना कहीं हो पाएगा। इस बात को लेकर लोग चर्चा करते नजर आ रहे हैं, हर गांव में हम गली मुकड़ के मोड़ पर। अगर बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा की संकल्पान यात्रा की, उसको लेकर काफी उत्साह लोगों में देखने को मिला है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री सैकड़ों यात्रा कई सिरसा से फतेहवाल के लिए रवाना होगी, लेकिन जुआ में काफी उत्साह आज भी देखने को मिला। जुआ सैकड़े लेकर रोडों पर निकलते नजर आए, कहीं ना कहीं जुड़ाव में काफी पॉजिटिव मैसेज गया है कि अगर साइकिल चलाकर नशा छोड़ा जा सकता है, इस तरह से जुआ एक दूसरे को प्रेरित करते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें सैकड़ों साल यात्रा की, सैकड़ों साल यात्रा ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, कहीं ना कहीं सैकड़ों की संख्या में जो जुआ शामिल होते नजर आए और जुआ में काफी उत्साह देखने को मिला। जी शिरा ठीक है जगदीश, बने रहे हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। प्रवीण आपका रुकेंगे, अगर राजनीतिक गलियारों की बात की जाए, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखी जा रही है, पार्टियों की क्या कुछ तैयारियां है? हाँ जी शराम जी, मैं बात कर लेता हूँ राजनीति को लेकर। तमाम जो पार्टियां हैं वो अब पूरी तरह से अपने मैदानों में आ चुकी हैं। जगह जगह इन पार्टियों के जितने भी पन्ना प्रमुख है या कार्यकर्ता है या स्थानीय विधायक है, वो अब कहीं ना कहीं लोगों से जल्द चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुलाकात हो। छोटे मोटे जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, कुछ भजन कीर्तन होता है, अन्य कोई चीज होती है, वह तमाम ये पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लोग उनको बुला भी रहे कि किसी तरह जुड़ा जाए, लोगों के साथ बातचीत की जाए। वही बात कर लेते आम आदमी पार्टी की भी है और बीजेपी पार्टी भी है, इनेलो पार्टी, तमाम जितनी भी पार्टी है, ये सभी इनके कार्यकर्ता लगातार बैठक कर रहे हैं। बैठक के दौरान लोगों को मिलने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह हम भी लोगों से जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा जो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में हमें ज्यादा से ज्यादा वोटों को ले सके, उसको लेकर किसी न किसी तरह से वोटों को लुभाने का भी काम कर रहे हैं। वही जेजेपी की अभी हाल ही में बैठक हुई है, उनका ये कहना है कि सीकर में राजस्थान में उनकी जो बहुत बड़ी रैली होने वाली है, अभी हाल ही में बल्लभगढ़ में भी रैली की गई थी। तो ऐसी तमाम रैलियों को लेकर तमाम कार्यकर्ता जो है लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्ष की पार्टियां वो किसी तरह ये चाह रही है कि हम सबसे ज्यादा आगे बढ़कर रहें और लोग हमारे साथ रहें, ताकि आने वाले जो चुनाव में है वो उनमें हमारी जो है वो भाईचारा बढ़े रहे, हमें ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। तो तमाम चीजों को लेकर कोई ना कुछ ऐसा कर रहे हैं किसी किसी माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुंचा जाए, लोगों से मिला जाए, जिसको लेकर अब तो सत्तारूढ़ की जो पार्टी है, भाजपा के जो कार्यकर्ता है, वो भी कहीं कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो भी कोई ऐसा मौका देखते हैं कि जहां भी उन्हें मौका मिलता है वहां भी वो भी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय विधायक है वो भी पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं ताकि लोगों को जोड़ा जा सके। जिसको लेकर राजनीति में अब लगातार उसका पता चली है कि किसी तरह चुनाव को नजर देखते हुए स्थानीय लोगों से ज्यादा मिलने का प्रयास करें। जी शराम जी ठीक है, ठीक है प्रवीण, लौटूंगा आपके पास। जगदीश आपका रुख करूंगी, राजनीतिक गलियारों की बात की जाए तो कालावली में किस तरीके की फिलहाल तस्वीरें जो है वो देखी जा रही है? शर्मा बिल्कुल सर, कालावली बैरिटी की बात करें तो बिल्कुल सभी पार्टियां जो है अपने मैदान में आ चुकी है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की ओर से कालावली के शीर्ष पर विधायक है जो हम गांव गांव जा रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वही जो वही अगर हम हुड्डा खेलने की बात करें तो हुड्डा खेलने के जो इनकी पदाधिकारी है वह भी गांव गांव जाकर लोगों से मुलाकात करने की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना जो नाम मैदान में उतरने का दावा जो है पेश करते नजर आ रहे हैं। अगर नैनो की बात करें तो नैनो की ओर से 25 सितंबर की रैली को लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साह है और अध्यक्ष जो है शिविंदर बिंदु उसकी अगुवाई में गांव गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं और लोगों में भी काफी उत्साह नैनो के प्रति बढ़ता नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की कविता नागर है जो काफी लंबे समय से मैदान में उतरी है ना, उनका गांव गांव जाकर लोगों को प्रेरित करने का काम कर रही है कि पंजाब में जो सिलेंडर है 600 रुपए का 580 रुपए का हो चुका है और जो दिल्ली है जो पड़ी है और पानी है पड़ी है स्वास्थ्य पड़ रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में प्रचार करते नजर आ रही है। और कालावली की बात करें तो कालावली में अधिक बिलों को लेकर धूम की ओर से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, गांव गांव जाकर बिल जलाए जा रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के पूर्व में विधायक रहे बलकोसी गांव गांव जा रहे हैं और
सरकार के द्वारा दी गई दरार का उद्घाटन भी करते नजर आ रहे हैं और पन्ना प्रमुखों से मिलकर आने वाले चुनाव में अच्छे से ढंग कर काम करने के लिए प्रदेश करने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। अगर बात करें जेजेपी की तो जेजेपी का खास इंटरेस्ट कालावली हल्के में खास दिखाई नहीं देता है। जेजेपी के कार्यकर्ता कहीं भी बाजार में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छी शराब ठीक है जगदीश, अगर डेंगू की बात की जाए क्योंकि लगातार प्रदेश के कई जिलों में डेंगू देखे जा रहे हैं, कालावाली में क्या तस्वीरें हैं, क्या स्थिति है? जी सर, हमने बिल्कुल जैसे मौसम बीमारी भी बढ़ती नजर आ रही है। कालावाली में बात की जाए तो डेंगू दिन प्रतिदिन पैर पसारता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग को उनका नहीं सोया हुआ, या तो फिर डॉक्टर नहीं रहता, डॉक्टर आते हैं तो दवाई नहीं मिलती है। अगर लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है और प्राइवेट अस्पतालों में ऐसा आलम छा रखा है कि डॉक्टर के द्वारा पर्ची बनाकर दी जाती है, एक दिन के बुखार वालों को अगर टेस्ट करवाते हैं इसी लैब से करवाना है और लैब के लिए बाधित किया जाता है और लैब वालों से डेंगू बताकर उनका इलाज किया जाता है। कहीं ना कहीं जो लूट पड़ी है वह बचाई हुई है प्राइवेट डॉक्टरों की ओर से, और देखने को मिलता है अगर वही मरीज दूसरी किसी लैब से टेस्ट करवाता है तो नेगेटिव मलेरिया का डेंगू बताया जाता है। कहीं ना कहीं लैब वाले डॉक्टरों से मिलकर लूटने का काम है लोगों को कर रहे हैं और बोलने वाले लोगों में भ्रमित स्थिति पैदा कर रहे हैं कि आपको डेंगू है, उससे लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर बात की जाए नगर पालिका की तो नगर पालिका की ओर से एक दो दिन तो जरूर बुकिंग की गई थी जिन घरों में डेंगू के मरीज पाए गए थे, स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनको चिट्ठी दी गई थी, लेकिन अब बुकिंग को बंद कर दिया गया और सफाई अभियान जो सुचारू रूप से नहीं चलाया गया। कहीं ना कहीं लोग मांग कर रहे हैं और आज उपमंडल अधिकारी से भी जो है मिलते नजर आएंगे। लोगों की ओर से कल एक बैठक की गई थी और बैठक में कहा गया था कि उपमंडल अधिकारी से मिलेंगे और बुकिंग के लिए उनसे वो मांग करेंगे और जो सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से और एक मुहिम बनाकर उसको चलाया जाए, इसको लेकर भी लोग आज उपमंडल अधिकारी से मिलते नजर आएंगे। जी शराब ठीक है जगदीश, आपका जुटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण, आपका तमाम जानकारी के लिए और जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं सब देते हैं देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।